एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल एटलस। आज मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर लेकर आई हूँ, यानी कि लोक प्रशासन। ये आपको बीए के थर्ड ईयर में पढ़ना है, मास्टर्स में भी पढ़ना है, या आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट ही है ऑनर्स पेपर में, तो भी मेरा ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। तो आज इसका चैप्टर वन होगा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि लोक प्रशासन का अर्थ एवं परिभाषाएं। ओके, तो बिना देरी किए मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आज हम लोग देखेंगे इसका अर्थ क्या है और इसकी परिभाषा क्या है। लोक प्रशासन जो है वह दो शब्दों लोक और प्रशासन से मिलकर बना है। लोक प्रशासन के अर्थ को स्पष्ट करने से पहले मैं यहाँ पे लोक प्रशासन का एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि क्या है लोक प्रशासन। तो जो लोक प्रशासन है वह कानून और व्यवस्था के क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जनजीवन से संबंध समस्त गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण हो गया है। जिस प्रकार आज विभिन्न दिशाओं में विकास के चरण की प्रगति हो रही है, ठीक उसी प्रकार नए नए संगठनों का निर्माण भी हो रहा है, और इन संगठनों के निर्माण के साथ साथ इनका संचालन करना भी काफी ज्यादा जरूरी हो गया है, जिसमें प्रशासकों की भूमिका सामने आ रही है। और इसमें प्रशासकों के लिए कई चुनौतियां भी सामने देखने को मिल रही है, जिन चुनौतियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। आज देश में विभिन्न प्रकार की योजनाएं बन रही है, जिसमें देश की जनता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, और इससे क्या है कि प्रशासक वर्ग का उत्तरदायित्व भी बढ़ता चला जा रहा है, ताकि वह इन योजनाओं को जनता के हित में सामने ला सके और अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट उसे कर सके। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि लोक प्रशासन जो है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है, एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय बन चुका है या बन गया है, जिसके विभिन्न पक्षों और स्वरूपों को आज हम देख रहे हैं, और जिसमें जनता की भागीदारी भी सामने देखने को हमें मिलती है। तो जो लोक प्रशासन है यह सरकार से जुड़ा है, जनता की सेवा से जुड़ा है। तो यह जो लोक प्रशासन है यह जनता की सेवा से जुड़ा है, जिसमें आज जनता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, और इसका उत्तरदायित्व प्रशासक वर्ग पर आ गया है कि वह अपने कार्यों को सुचारू रूप से कर सके, और इसके लिए कुशल प्रशासक की आवश्यकता भी सामने देखने को मिल रही है। तो यह जो लोक प्रशासन है वह दो शब्दों लोक और प्रशासन से मिलकर बना है। लोक प्रशासन जो है वह प्रशासन के विस्तृत क्षेत्र का ही भाग है, यानी यह प्रशासन का ही एक विस्तृत क्षेत्र का भाग लोक प्रशासन है। अतः हम लोक प्रशासन को समझने से पहले प्रशासन क्या है इसके अर्थ को समझेंगे, तब हमारा जो लोक प्रशासन है वो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं क्या होता है प्रशासन, मीनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। प्रशासन जो है वह मूल रूप से संस्कृत का शब्द होता है, जिसका अर्थ है प्रकृष्ट या उत्कृष्ट रीति से शासन करना। आजकल शासन का अभिप्राय सरकार से समझा जाता है, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ निर्देश देना, पथ प्रदर्शन करना, आदेश देना या फिर आज्ञा देना हो गया है। ठीक है, और वैदिक युग में अगर हम देखें तो प्रशासन का प्रयोग इसी अर्थ में होता था, आदेश निर्देश देने के रूप में होता था। ओके, प्रशासन को अंग्रेजी में एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है, जो एड और मिनिस्ट्री से मिलकर बना है, जिसका अभिप्राय होता है कि एक व्यक्ति के हित की दृष्टि से उसकी सेवा का कोई कार्य करना। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि न्यायाधीश है तो वो क्या करते हैं, न्याय देने का कार्य करते हैं। अगर कोई डॉक्टर है तो वह बीमार व्यक्ति है उसका इलाज करता है, और उसे उसके बीमारी से मुक्ति दिलाता है और दवाइयां देता है। ठीक है, तो इसी तरह से यह प्रशासन जो हो गया व्यक्ति के हित की दृष्टि से उसकी सेवा करने के लिए कोई कार्य करता है। 16वीं शताब्दी में प्रशासन शब्द का प्रयोग जो है वो मैनेजमेंट यानी प्रबंध के रूप में होने लगा, और शब्दकोश के अनुसार प्रशासन का अर्थ कार्यों का प्रबंध करना या लोगों की देखभाल करना था। ओके, इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार प्रशासन जो है कार्यों के प्रबंध या उनको पूर्ण करने की एक प्रक्रिया है या क्रिया है। तो इस तरह से प्रशासन के विभिन्न अर्थ यहाँ बताए गए हैं इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार, कि प्रशासन जो है कार्यों का प्रबंध करना या उसको पूरा करने की एक क्रिया है, प्रक्रिया है, प्रोसेस है। और शब्दकोश के अनुसार प्रशासन का मतलब होता है कार्यों का प्रबंध करना, ठीक है, उसका मैनेजमेंट करना, लोगों की देखभाल करना। 16वीं शताब्दी में प्रशासन का प्रयोग प्रबंध के रूप में होता था, प्रशासन को अंग्रेजी में एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है, और प्रशासन का अभिप्राय सरकार से समझा भी जाता है। ठीक है, आगे क्या है वो भी देख लेते हैं। तो प्रशासन का अर्थ है व्यापक रूप में भी देखने को मिलता है। व्यापक अर्थ में कहने के मतलब है कि इसे हम कई रूप में समझ सकते हैं, जैसे कि प्रशासन को हम मंत्रिमंडल का पर्यायवाची समझ सकते हैं, यानी हम किसी के प्रशासन के संबंध में समझ सकते हैं, जैसे कि हमारे देश में प्रधानमंत्री अगर इंदिरा गांधी है तो उनके प्रशासन का समय समझ सकते हैं, या फिर हम प्रशासन को बोल सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान की एक शाखा के रूप में देख सकते हैं, या फिर प्रशासन का प्रयोग उन क्रियाओं के लिए भी किया जाता है, जैसे कि कोई लोक नीति या लोक नीतियों को क्रिया
क्रियान्वित करने के लिए कुछ सेवाएं प्रदान की जाती है जनता को, जैसे कि शिक्षा का प्रशासन किया जाता है, रेलवे प्रशासन किया जाता है, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या होगा कि लोक नीति को क्रियान्वित करने के लिए या सेवाएं प्रदान करने के लिए कुछ संगठनों का निर्माण किया जाता है और उन संगठनों के थ्रू जनता की सेवा की जाती है। और प्रशासन का प्रयोग हम सामान्य अर्थ में प्रबंध के रूप में भी करते हैं, यानी मैनेजमेंट के रूप में भी करते हैं। तो इस तरह से प्रशासन का जो अर्थ है काफी व्यापक है, जिसे हम विभिन्न अर्थों में समझ सकते हैं। आधुनिक विचारकों के अनुसार प्रशासन जो है एक सुनिश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए मनुष्य द्वारा परस्पर सहयोग से की जाने वाली एक सामूहिक क्रिया है। अब यहाँ पे आधुनिक जो विचारक है इनका कहना है कि प्रशासन जो है कुछ उद्देश्य होते हैं, उन उद्देश्य को पूरा करने के लिए मनुष्य आपस में जो परस्पर सहयोग करते हैं, आपस में इनके बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है, या फिर यहाँ पे म्यूचुअल एक तरह से लोग मिलजुल कर सहयोग की भावना पैदा करते हैं और एक तरह से बोल सकते हैं कि सामूहिक क्रिया करते हैं, तो उसी को ही हम प्रशासन कहते हैं। यानी प्रशासन एक से अधिक व्यक्ति द्वारा विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाने वाला एक कार्य है, जिसे सहयोगी ढंग से किया जाता है, यानी सब मिलजुल कर उसे खत्म करते हैं या फिर उस कार्य को करते हैं। ओके, तो ये हो गया प्रशासन का अर्थ। अब हम देख लेते हैं कि प्रशासन की क्या परिभाषाएं हैं विद्वानों के अनुसार। साइमन के अनुसार प्रशासन जो है अपने व्यापक रूप में प्रशासन की व्याख्या उन समस्त सामूहिक क्रियाओं से की जा सकती है जो सामान्य लक्ष्य के प्राप्ति के लिए सहयोगात्मक रूप से प्रस्तुत की जाती है। तो साइमन यहाँ पे ये कहना चाहते हैं, साइमन जो है ये हर्बर्ट साइमन है और ये लोक प्रशासन के प्रमुख विचारकों में से एक माने जाते हैं। ये कहते हैं कि व्यापक रूप में अगर हम देखें प्रशासन की व्याख्या अगर करेंगे तो इसके अंतर्गत वे समस्त सामूहिक क्रियाएं आ जाएंगी जो सामान्य रूप से जो लक्ष्य रखे गए हैं उस लक्ष्य को ये प्राप्त करने के लिए सहयोगात्मक रूप से कार्य करती है, ठीक है। फिर व्हाइट है, ये एलडी व्हाइट है, इनका कहना है कि प्रशासन किसी विशिष्ट उद्देश्य या फिर किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहुत से व्यक्तियों के संबंध में निर्देश, नियंत्रण और समन्वयकरण की एक कला है। एलडी व्हाइट भी यही कहते हैं कि प्रशासन किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए या लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है जो बहुत सारे व्यक्ति आपस में मिलते हैं, यहाँ पे आदेश निर्देश दिया जाता है, नियंत्रण होता है और कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन भी रखा जाता है। तो इन सब की कला को प्रशासन कहते हैं एलडी व्हाइट। नेक्स्ट है लूथर गोलिक, ये भी लोक प्रशासन के प्रमुख विचारक रहे हैं लूथर गोलिक। इनका कहना है कि प्रशासन का संबंध कार्यों को संपन्न कराने से है जिससे कि निर्धारित लक्ष्य को पूरा किया जा सके। तो लूथर गोलिक यह कहते हैं कि प्रशासन उन कार्यों को कराने से है, यानी जो कार्य हैं उनको करवाने से मतलब है, या कि खुद करे या किसी और से करवाए उससे मतलब है, कार्यों का होना से मतलब है, जिससे कि जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उस लक्ष्य को पूरा किया जा सके। यानी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्यों का करना ही प्रशासन है लूथर गोलिक के अनुसार, और ये कार्य वे खुद नहीं करेंगे बल्कि कार्य कराने से, यानी प्रबंध की व्यवस्था यहाँ पे होनी चाहिए, यहाँ की व्यक्ति खुद कार्य करे बल्कि किसी और से करवाए। तो अपने लक्ष्य को या निर्धारित लक्ष्य को पूरा करना है उसके लिए प्रशासन का संबंध कार्यों को करवाने से होता है। इस तरह से प्रशासन की ये परिभाषाएं इन विद्वानों के अनुसार दी गई है, आप इसे भी नोट डाउन कर सकते हो। आगे देख लेते हैं इसके प्रशासन के अर्थ और परिभाषाओं से कुछ प्रशासन के प्रमुख तत्व या फिर लक्षण उभर कर सामने आते हैं, एलिमेंट सामने आते हैं, वे क्या है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि प्रशासन जो है वह एक से अधिक व्यक्तियों के सहयोग की भावना से काम करना है। यस, प्रशासन में हम लोगों ने यही समझा कि इसका अर्थ होता है सरकार से, मतलब है व्यापक अर्थ है इसका, ठीक है। और इसमें व्यक्ति क्या करते हैं, अपने निर्धारित उद्देश्य को पूरा करने के लिए सब मिलजुल कर सहयोगात्मक रूप से कार्य करते हैं। तो एक से अधिक व्यक्ति के सहयोग की भावना कार्य को करना है प्रशासन कहलाता है। फिर यह किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाने वाला कार्य, यस, इसका सेकंड एलिमेंट यही है कि कुछ ना कुछ निश्चित उद्देश्य रखे जाते हैं जिसे हम पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि संगठित होकर काम करना होता है, सभी मिलजुल कर यहाँ पे काम करते हैं। नेक्स्ट है कि प्रशासन करने वाले व्यक्ति के पास प्राधिकार का होना है जिसके आधार पर वह दूसरों से किसी कार्य में सहयोग लेता है। अब देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है कि प्रशासन करने वाले व्यक्ति, यानी जो प्रशासन कर रहा है उसके पास कुछ अधिकार शक्ति होनी चाहिए ताकि वह दूसरों से कार्य को करवा सके और उसमें उनका सहयोग ले सके। तो जब तक अथॉरिटी नहीं होगा, अधिकार नहीं होगा, तब तक व्यक्ति प्रशासन नहीं कर सकता है, ना किसी और से करवा सकता है। ओके,
आगे है कि प्रशासन का प्रयोग विशाल, व्यापक और औपचारिक संगठन के लिए किया जाता है। यस, हम प्रशासन का प्रयोग उसी संगठन के लिए करेंगे जो औपचारिक होती है, जो व्यापक होती है और एक विशाल संगठन होता है। अगर हम बोलेंगे कि परिवार, परिवार भी एक संगठन है बट ये छोटा संगठन है, तो हम परिवार जैसे सोच छोटे संगठन के लिए प्रशासन शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। प्रशासन का प्रयोग हम एक औपचारिक संगठन के लिए ही करेंगे ताकि वह संगठन के कार्य सुचारू रूप से हो सके। क्लियर है? तो इस तरह से हम प्रशासन के अर्थ को यहाँ पे समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्रशासन का अर्थ। तो हम देख रहे थे कि लोक प्रशासन, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, प्रशासन के अर्थ को समझा है। ओके, अब हम सीधे आते हैं अपनी मेन टॉपिक पे और वह है लोक प्रशासन क्या है। तो प्रशासन के अर्थ को समझ लेने के बाद अब हम लोग सीधे समझते हैं कि लोक प्रशासन का अर्थ क्या होता है। तो लोक प्रशासन जो है वह एक संयुक्त शब्द है जो दो शब्दों लोक और प्रशासन से मिलकर बना है। प्रशासन का अर्थ तो स्पष्ट हो गया है, अब हम लोक के अर्थ को समझ लेते हैं। प्रशासन में लोक शब्द जुड़ जाता है तो एक विशेष रूप ही धारण कर लेती है। लोक का अर्थ सार्वजनिक या फिर सारी जनता से संबंधित होता है। लोक शब्द यह सूचित करता है कि प्रशासन लोगों के लिए किया जाना है, जिसका उद्देश्य जनता के हित के लिए प्रशासन करना होता है। यानी लोक प्रशासन में हम लोगों ने क्या देखा कि जो लोक है इसका अर्थ होता है सार्वजनिक या सभी के लिए किया जाने वाला कार्य। यानी ये इसका उद्देश्य क्या होता है, जनता की भलाई करना, जनता के लिए कार्य करना। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो प्रशासन आम लोगों के लिए हो उसे लोक प्रशासन कहते हैं। प्रशासन व्यक्तिगत और सार्वजनिक दोनों रूप में हो सकता है, लेकिन अगर हम लोक प्रशासन की बात करेंगे तो वह कभी भी व्यक्तिगत नहीं होगा या निजी नहीं होगा, क्योंकि प्रशासन में लोक शब्द जब जुड़ जाता है तो इसका अर्थ ही होता है कि यह सार्वजनिक सेवा की भावना से जुड़ा होता है या सार्वजनिक सरकार से होता है। ठीक है, तो जब हम लोक प्रशासन की बात करेंगे तो वह कभी भी निजी, प्राइवेट, व्यक्तिगत नहीं होगा और सरकार की क्रियाएं व्यापक, सार्वजनिक और लोक हित की होती है। ठीक है, क्योंकि सरकार की अगर हम लोग बात करेंगे तो सरकार की जो भी क्रियाएं होती हैं वो व्यापक होगी, सार्वजनिक रूप में होगी, सभी के लिए होगी और लोक हित, जनता के कल्याण के लिए होगी। इसलिए सरकारी कार्यों के प्रशासन को लोक प्रशासन कहते हैं। तो अगर एक लाइन में पूछा जाए कि लोक प्रशासन किसे कहते हैं, तो होगा सरकारी कार्य के प्रशासन को लोक प्रशासन कहा जाता है। लोक प्रशासन कभी भी व्यक्तिगत नहीं होता है या आम लोगों के लिए किया जाने वाला एक कार्य होता है। इसके अंतर्गत प्रशासन लोगों के लिए किया जाता है और इसका उद्देश्य जनता की भलाई करना होता है। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लोक प्रशासन के अंतर्गत वे सारी क्रियाएं आ जाती है जिनका संबंध लोक नीति को लागू करना होता है। क्योंकि यहाँ पे हम जब प्रशासन की बात कर रहे हैं और खास तौर पर हम लोक प्रशासन की बात कर रहे हैं, तो इसमें योजनाएं अगर बनेंगी तो वह योजनाएं जनता के हित के लिए होगी, जनता की भलाई के लिए की जाएंगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि लोक प्रशासन के अंतर्गत वे सारी क्रियाएं आती हैं जिनका सीधा से सीधा संबंध लोक नीति को लागू करना होता है। ओके, आगे है कि लोक प्रशासन के अर्थ को हम दो रूपों में समझ सकते हैं। पहला है व्यापक अर्थ में और दूसरा होता है संकुचित अर्थ में। तो क्या है व्यापक अर्थ में लोक प्रशासन का अर्थ और संकुचित अर्थ में, उसे भी क्लियर कर लेते हैं। पहला है व्यापक अर्थ में राज्य की राजनीतिक शक्तियों के प्रयोग करने में उसके द्वारा की जाने वाली क्रियाओं को लोक प्रशासन की संज्ञा दी जाती है। ओके, कहने का मतलब होता है कि राज्य की राजनीतिक शक्तियों का जो प्रयोग होता है, उन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए जो क्रियाएं यहाँ पे सामने आती है, उन क्रियाओं को लोक प्रशासन कहते हैं। क्योंकि जब एक राज्य की बात हो रही है और वे अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रही है, तो वे कहीं ना कहीं या सरकार के जो तीन अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनसे जुड़ी होती है, जिसमें इन तीनों के द्वारा किए जाने वाले कार्य सम्मिलित होते हैं। तो व्यापक अर्थ में हम कह सकते हैं कि लोक प्रशासन का संबंध सरकार की तीनों अंगों, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका से है, जिसमें तीनों के कार्य सम्मिलित होते हैं। ठीक है, अब आता है संकुचित अर्थ में। तो संकुचित अर्थ में इसका प्रयोग केवल कार्यपालिका द्वारा किए जाने वाले कार्य के लिए होता है। संकुचित अर्थ में हम कह सकते हैं कि यह संकीर्ण अर्थ में या नैरो के अर्थ में हम समझ सकते हैं कि जो लोक प्रशासन है इसका मतलब केवल कार्यपालिका से होता है। क्योंकि जब भी हम बात करते हैं प्रशासन की बात करते हैं, तो इसके लिए क्या होता है कि यहाँ पे राजनीतिक कार्यपालिका सामने आती है और जो कार्यपालिका है वही यहाँ पे नीतियों का निर्माण करती है, इम्प्लीमेंट करती है, वही सब कुछ काम करती है और
और जो हमारे जो नौकरशाही होते हैं या फिर जो प्रशासक वर्ग होते हैं, वही व्यक्ति यहाँ से प्रशासक वर्ग जो है सीधे तौर पर राजनीतिक कार्यपालिका से जुड़े होते हैं। इसलिए संकुचित अर्थ में हम केवल समझेंगे कि लोक प्रशासन का मतलब कि कार्यपालिका के द्वारा की जाने वाली कार्य से होता है। लेकिन लोक प्रशासन काफी व्यापक है और इसके हम व्यापक अर्थ को ही समझेंगे, जहां पर सरकार के तीनों अंग यानी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों अंग से जुड़ी होती हैं, यानी इन तीनों के कार्यों का संपन्न हम लोक प्रशासन के अंतर्गत देख सकते हैं, क्योंकि सरकार का कोई भी ऐसा भाग नहीं है जो लोक प्रशासन के अंतर्गत नहीं आता है। और प्रशासन की समस्याएं भी ऐसी होती हैं जो सरकार के तीनों अंगों के सामने आती ही हैं। तो इसलिए हम यह कह सकते हैं ऐसा कोई भी कारण नहीं होता है कि लोक प्रशासन के अंतर्गत सरकार के संपूर्ण कार्यों को सम्मिलित ना किया जाए। जब लोक प्रशासन की बात होगी तो प्रशासन के सरकार के समस्त कार्य इसके अंतर्गत आ जाएंगे, चाहे वह कार्यपालिका का ही कार्य क्यों ना हो, व्यवस्थापिका का कार्य क्यों ना हो या फिर न्यायपालिका का कार्य क्यों ना हो। इसलिए हम लोक प्रशासन को व्यापक अर्थ में यहाँ पे समझेंगे, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, आगे देख लेते हैं। इसके अर्थ को समझ लेने के बाद अब हम लोग लोक प्रशासन की परिभाषाओं को देख लेते हैं। इसमें भी मैंने तीन चार जो विचारक है उसके अकॉर्डिंग लिखा है, क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि लोक प्रशासन का अर्थ क्या है या इसकी परिभाषा क्या है, तो यहाँ पर आपको दो से तीन विचारकों के अनुसार लिखना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे से नंबर मिल सकता है। तो सबसे पहले विलोबी है, इनका कहना है, विलोबी ने क्या किया, लोक प्रशासन की परिभाषा को या लोक प्रशासन के अर्थ को दो रूप में बताया। एक बताया उसने व्यापक अर्थ में और दूसरा उसने बताया संकुचित अर्थ में। तो विलोबी के अनुसार व्यापक अर्थ में लोक प्रशासन उस कार्य का प्रतीक है जो कि सरकारी कार्यों के वास्तविक संपादन से संबद्ध होता है, चाहे वे सरकार की किसी शाखा से संबंधित क्यों न हो। ठीक है, तो ये कहना चाह रहे हैं विलोबी अपने व्यापक अर्थ में कि लोक प्रशासन का संबंध सरकार के समस्त कार्यों से है, जो सरकार अपने कार्यों का संपादन कर रही है उन उसके समस्त कार्यों से लोक प्रशासन का मतलब होता है, चाहे वह सरकार की किसी भी शाखा से संबंधित क्यों ना हो, चाहे वह कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो या व्यवस्थापिका हो, कोई भी शाखा से संबंधित क्यों ना हो, लोक प्रशासन का अर्थ व्यापक अर्थ में है कि सरकार की समस्त क्रियाएं इसके अंतर्गत आ जाती है। लेकिन विलोबी आगे कहते हैं कि अपने संकुचित अर्थ में कि वह प्रशासकीय शाखा के कार्यवाही की ओर संकेत करती है, और संकुचित अर्थ में ये कहना चाहते हैं कि लोक प्रशासन केवल और केवल प्रशासकीय शाखा यानी कि केवल कार्यपालिका जो कार्य करेगी उसके ओर ही संकेत करता है, उससे ही जुड़ा है। तो विलोबी ने इस तरह लोक प्रशासन की परिभाषाएं अपने व्यापक अर्थ और संकीर्ण अर्थ दोनों अर्थों में दिया है। नेक्स्ट है एल्डी वाइट के अनुसार, लोक प्रशासन में भी सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को पूरा करना या क्रियान्वित करना होता है। तो एल्डी वाइट ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में वे समस्त कार्य आ जाते हैं जिनका मेन मोटो, जिनका मेन एम या उद्देश्य लोक नीति को पूरा करना है, जो जनता के लिए योजनाएं बनाई गई हैं उनको पूरा करना है, इम्प्लीमेंट करना है, तो इसलिए लोक प्रशासन में समस्त कार्य आ जाएंगे, एल्डी वाइट ये कहना चाहते हैं। नेक्स्ट है वुड्रो विल्सन, इनका कहना है कि लोक प्रशासन विधि या कानून को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप में कार्यान्वित करने का नाम है, और विधि या कानून के क्रियान्वयन की प्रत्येक क्रिया एक प्रशासनिक क्रिया है। तो वुड्रो विल्सन ये कहना चाहते हैं कि जो लोक प्रशासन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, वह विधि या कानून को उसके विस्तृत रूप में या फिर क्रमबद्ध या सिस्टमैटिक रूप से क्रियान्वित करने का नाम होता है, जिसमें कानून या विधि की प्रत्येक क्रिया प्रशासनिक क्रिया से संबंधित होती है, उससे जुड़ी होती है। नेक्स्ट है फिफनर, इनका कहना है कि सरकार का कार्य करना ही लोक प्रशासन है, चाहे वह स्वास्थ्य प्रयोगशाला में एक्सरे मशीन चलाना हो या फिर टकसाल में सिक्कों को ढालना है। तो फिफनर ये कहना चाहते हैं कि सरकार का कार्य लोक प्रशासन है, ठीक है, चाहे वह कोई भी काम क्यों ना कर रहा हो सरकार, चाहे वह स्वास्थ्य प्रयोगशाला में एक्सरे मशीन चला रहा है या फिर सिक्कों को ढाल रहा है। तो फिफनर ये कहना चाहते हैं कि प्रशासन से मतलब है कि लोगों के प्रयत्न में समन्वय कायम करके सरकार के कार्य को संपन्न करना है, जिससे कि लोग एक साथ कार्य कर सके और अपने निश्चित कार्य को पूरा कर सके, अपने उद्देश्य को पूरा कर सके। इसका मतलब है सरकार का काम ही है कि लोक प्रशासन करना, जनता की सेवा करना, चाहे वह किसी भी प्रकार की सेवा क्यों ना हो, लेकिन जनता की सेवा करना ही लोक प्रशासन है, फिफनर ऐसा कहना चाहते हैं। ओके, आगे है लूथर गुलिक। लूथर गुलिक के अनुसार लोक प्रशासन प्रशासन के विज्ञान का वह भाग है जो सरकार से संबंधित है, और इसलिए उसका संबंध कार्यपालिका से है, जहां की सरकार का काम मुख्य रूप से होता है।
यद्यपि उसको स्पष्ट रूप में उन प्रशासक के समस्याओं पर भी ध्यान देना होता है जो व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका के क्षेत्र में आती है। तो लूथर गुलिक ये कहना चाहते हैं कि जो लोक प्रशासन है वह प्रशासन के विज्ञान का एक भाग होता है। तो लूथर गुलिक को हम कह सकते हैं कि वह लोक प्रशासन को विज्ञान के रूप में देखते हैं, जहां पर लोक प्रशासन के स्वरूप के संबंध में विवाद सामने आया था कि लोक प्रशासन कला है या विज्ञान है। तब लूथर गुलिक ही ऐसे विद्वान रहे थे या विचारक रहे थे जिन्होंने कहा था कि लोक प्रशासन एक कला के रूप में नहीं बल्कि विज्ञान के रूप में होता है, इसका प्रयोग विज्ञान के रूप में होता है। तो लोक प्रशासन को कहीं ना कहीं लूथर गुलिक ने विज्ञान एक भाग माना है और वह यह कहना चाहते हैं कि इसका संबंध सीधे तौर पर कार्यपालिका से होता है, एग्जीक्यूटिव से होता है, जिसमें सरकार का काम मुख्य रूप से होता है कार्यपालिका संबंधी कार्यों को करना ही होता है, ठीक है। लेकिन वह यह भी कहते हैं कि जब प्रशासन की समस्याएं सामने आती है तो वे समस्याएं कहीं ना कहीं व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के क्षेत्र में भी आ जाती है। तो लूथर गुलिक यह कहना चाहते हैं कि लोक प्रशासन भले ही विज्ञान का रूप क्यों ना हो जो सरकार से संबंधित है, जिसमें कार्यपालिका संबंधी कार्य होते हैं, लेकिन अगर प्रशासन की समस्याएं आएंगी तो वह व्यवस्थापिका और न्यायपालिका जो सरकार के दो अन्य अंग है उससे भी जुड़ी होती है, उन क्षेत्रों में भी ये समस्याओं को देखा जा सकता है। ओके, आगे है साइमन। ये कहते हैं कि जनसाधारण की भाषा में लोक प्रशासन से अभिप्राय उन क्रियाओं से है जो केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों की कार्यपालिका शाखाओं द्वारा संपादित की जाती है। तो साइमन भी यह कहते हैं कि लोक प्रशासन से मतलब होता है उन्हीं क्रियाओं को करना जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय सरकार की कार्यपालिका संपादित करती है। यानी साइमन भी लोक प्रशासन को संकुचित अर्थ में देखते हैं, जिसमें लोक प्रशासन का संबंध कार्यपालिका से जुड़ा होता है। जहां पर अभी मैंने दो अर्थ में बताया था कि लोक प्रशासन का अर्थ व्यापक और संकुचित अर्थ में, व्यापक में तीनों शाखाओं से जुड़ा होता है लोक प्रशासन, जबकि संकुचित अर्थ में केवल कार्यपालिका द्वारा किए जाने वाले कार्य होते हैं। तो साइमन भी यही कहते हैं कि लोक प्रशासन जो है केवल कार्यपालिका शक्तियों से जुड़ा है, जिसमें स्थानीय सरकार हो, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उनके जो कार्यपालिका जो कार्य संपादन करेगी उन्हीं का अध्ययन हम लोक प्रशासन के अंतर्गत करेंगे। इस प्रकार लोक प्रशासन की कुछ परिभाषाओं को मैंने लिखा है। एग्जाम में आपके क्वेश्चन डायरेक्ट इसकी डेफिनेशन से पूछे जाते हैं, तो आपको यहाँ पे जो डेफिनेशन ईजी लगता है आप उसको नोट डाउन कर सकते हो और लिख सकते हो। इसलिए मैंने यहाँ पे 5 से 6 डेफिनेशंस को लिखा है विचारकों के नाम के अनुसार। आपको जो अच्छा लगे, जो इजी लगे, आप उसे नोट डाउन कर सकते हो। इस प्रकार इन लोक प्रशासन की इन परिभाषाओं के आधार पर हम एक विश्लेषण पर पहुंच सकते हैं और जिनसे पता चलता है कि विद्वानों के द्वारा जो परिभाषाएं दी गई है उसमें एक रूपता नहीं पाई गई है, क्योंकि वे अलग अलग दृष्टिकोण को अपनाते हैं। कुछ विद्वान व्यापक अर्थ में लोक प्रशासन को समझाते हैं तो कुछ विद्वान संकुचित अर्थ में समझाते हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि लोक प्रशासन का संबंध सरकार के तीनों शाखाओं कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका से होता है, तो कुछ कहते हैं कि लोक प्रशासन का संबंध केवल उसकी कार्यपालिका शाखा से होता है। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि कुछ विद्वान विषय वस्तु की दृष्टि से लोक प्रशासन का अध्ययन करते हैं तो कुछ विद्वान तकनीकी ज्ञान की दृष्टि से लोक प्रशासन का प्रतिपादन करते हैं। इसलिए यहाँ पर लोक प्रशासन के विचारकों ने जो जो अपने विचार दिए हैं यहाँ पर अलग अलग दृष्टिकोण अपनाया गया है, जिसकी उसकी परिभाषाओं में एक रूपता नहीं दिखाई देती है। साथ ही लोक प्रशासन का अर्थ स्पष्ट करने वाली परिभाषाएं भी अभी तक सर्वमान्य नहीं हो सकी है कि कोई हाँ एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है जो लोक प्रशासन के इसके अर्थ को स्पष्ट कर रहा है, क्योंकि इसके अर्थ को हम व्यापक अर्थ में, संकुचित अर्थ में देखे हैं, इस प्रकार के डेफिनेशंस को भी हम लोगों ने देखा है। तो अभी तक कोई इसकी सर्वमान्य परिभाषा उभर कर सामने नहीं आई है। हालांकि विद्वानों ने अपने विचार के अनुसार परिभाषाएं दिया है, लेकिन फिर भी सर्वमान्य परिभाषा अभी तक उभर कर नहीं आई है, ठीक है। क्योंकि किसी विद्वान ने न केवल सरकारी नीति के क्रियान्वयन को लोक प्रशासन माना है और न ही किसी ने कानून को जो व्यवस्थित क्रियान्वयन को लोक प्रशासन के क्षेत्र के रूप में स्वीकार किया है। कहने का मतलब है कि कुछ कह रहे हैं कि सरकार की नीति का क्रियान्वयन करना ही लोक प्रशासन है, तो कुछ कह रहे हैं कि कानून को हम सिस्टमैटिक रूप से हम उसको एनालाइज करेंगे तो वह लोक प्रशासन का क्षेत्र होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सभी के विचार एक समान नहीं है, कुछ क्या मानते हैं कुछ क्या मानते हैं, इसलिए इसकी परिभाषाएं भी सर्वमान्य नहीं हो सकती है, ठीक है। वास्तव में देखा जाए तो जिस प्रकार हम भौतिक विज्ञान के स्वरूप को हम स्पष्ट कह सकते हैं, निश्चित बता सकते हैं, तो उस प्रकार हम लोक प्रशासन के स्वरूप को स्पष्ट और निश्चित नहीं कह सकते हैं। जिस तरह सरकार का स्वरूप बदल रहा है, सरकार के कार्य में परिवर्तन आ रहा है, तो उसके संदर्भ में ही हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को समझ सकते हैं।
तो ग्लैडन क्या कहना चाहते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कोई स्पष्ट या सटीक परिभाषा नहीं है और इसकी परिभाषा देना भी कठिन कार्य होता है। तो जैसे जैसे सरकार के कार्य में बदलाव आएगा, सरकार के कार्य में परिवर्तन आएगा, सरकार कार्य बढ़ता चला जाएगा, उसी तरह से लोक प्रशासन का स्वरूप, उसके अर्थ, इसकी परिभाषाएं भी बदलती चली जाएंगी और ज्यादा व्यापक हो जाएंगी और इसे हम तब जाकर स्पष्ट समझ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने प्रशासन को समझा कि प्रशासन क्या होता है। ठीक है, इसके अर्थ को स्पष्ट किया है। इसके अर्थ को स्पष्ट करने के बाद हम लोगों ने लोक प्रशासन का अर्थ को समझा, उससे अभिप्राय क्या होता है, और तब जाकर हम लोगों ने देखा कि इसकी परिभाषा क्या है। तो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या लोक प्रशासन से आप क्या समझते हो, इसका अर्थ स्पष्ट करें, इसकी परिभाषाएं लिखे। तो आपको इन सभी परिभाषाओं को, इसके अर्थ को स्पष्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम मेरे लेक्चर के एंड पर आ जाते हैं। अगर आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर जरूर करें। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इस तरह से चैप्टर्स को लेकर आती हूँ और बहुत ईजी वे में क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। और जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ये पॉलिटिकल साइंस का एक अपना पेपर भी होता है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक अलग से सब्जेक्ट भी होता है। अगर आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ सब्जेक्ट है तो भी मेरा वीडियो आपको हेल्प करेगा, और पॉलिटिकल साइंस के अगर अंतर्गत आपको पढ़ना है तो भी मेरा वीडियो आपको हेल्प करेगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्कोप यानी इसके क्षेत्र को लेकर आऊंगी। आज के लिए इतना ही, सो थैंक यू वेरी मच।